हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राष्ट्रीय सनातनी संस्कृति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले गुजरात के राजकोट सिटी के बारे में। गुजरात के राजकोट सिटी के अंदर जसाणी स्कूल नाम की एक शाला है। उस शाला के अंदर 8वीं कक्षा में पढ़ती हुई बच्ची जिसका नाम रिया है, वो आज हम लोगों के बीच में मौजूद नहीं। उसका हम सबको बहुत दुख हुआ है और हम सब लोग उनके माता पिता के साथ हैं और हम उनके माता पिता को हिम्मत दे रहे हैं। जसाने स्कूल के अंदर रिया जब पढ़ाई कर रही थी तब अचानक रिया बेहोश हो गई। बाद में उसे हॉस्पिटल में पहुंचा गया। वहां पर उसको सही सारवा ना मिलने की वजह से रिया की मृत्यु हो गई। रिया की मृत्यु होने के बाद पूरा राजकोट सहित पूरा गुजरात राज्य में हाहाकार मच गया। उसके बाद गुजरात की सभी स्कूलों के अंदर से टाइम कम करने की मांग बढ़ने लगी। हम सभी ने काफी सारी बातें सुनी हुई होगी कि रिया को हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई, लेकिन उनके माता पिता की बात सुनी तो पता चला कि रिया को हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई। वो बात सही है, लेकिन हार्ट अटैक किस वजह से है वो बात भी सुननी चाहिए लोगों को। रिया के जो स्कूल थी जसाने स्कूल, उस स्कूल की डिमांड थी कि हमारे स्कूल की बच्ची हमारा स्वेटर ही पहन के स्कूल के अंदर आए। रिया के माता पिता ने उस स्कूल की डिमांड को एक्सेप्ट किया। रिया को वो स्वेटर लाकर दिया, जहां से मिल रही थी वहां से रिया ने वो स्वेटर पहना। रिया को वो स्वेटर अच्छा नहीं लगा, उसमें उसको घुटन हो रही थी। जबरदस्ती स्कूल वालों की डिमांड थी कि हमारी बच्ची अंदर एंट्री लेगी तभी जब वो हमारे स्कूल का स्वेटर पहनेगी। रिया को इस वजह से उनके माता पिता ने उसको स्वेटर पहना है। रिया को घुटन की होने के बावजूद भी वो स्वेटर पहन के स्कूल के अंदर हर रोज जा रही थी। जब उसने स्वेटर पहना था तब उसे घुटन सी हुई और वो बेहोश हो गई। चारवार के लिए जब उसे हॉस्पिटल ले गए तब उसको सही चारवार ना मिलने की वजह से रिया की मृत्यु हुई। आज हम सब लोगों के बीच में रिया मौजूद नहीं है, उसका हमें बहुत दुख है। हम उनके माता पिता के साथ हैं। सरकार रिया के माता पिता को सही न्याय दिलाए, यही हमारी सरकार को रिक्वेस्ट है।